हाय, कैसे हो आप लोग। जैसे कि आप जानते ही होंगे, 2019 का नया बजट आया हुआ है, जिसे पेश किया था ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने। ये बजट आने वाले 10 सालों को नजर में रख के बनाया गया है। करंटली इंडिया की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन है, जो कि वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और ऐसा बजट में कहा गया है कि आने वाले 5 सालों में इंडिया की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन तक हो जाएगी। यानी कि कह सकते हैं गवर्नमेंट के जो भी टारगेट्स है वो 5 सालों में अचीव हो जाएंगे। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करूं तो 2017 में इंडिया 172 पोजीशन पे था, जो कि नीचे आके 2019 में 121 पोजीशन पे आ गया है, जो कि अपने ही आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो चलिए बात करते हैं इस बजट से इंडिविजुअल को किस तरह फायदा या नुकसान हुआ है। अगर इनकम टैक्स की बात करें तो बेसिक एग्जेम्पशन बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया गया है। मतलब अगर आपका इनकम 5 लाख या उससे नीचे है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा, या फिर अगर आपका इनकम 6 लाख या उसके ऊपर कोई अमाउंट है तो आपको सिर्फ उस एक्स्ट्रा अमाउंट पे टैक्स पे करना होगा जो 5 लाख के ऊपर है। उन टैक्स पेयर के लिए जिनका इनकम 2 to 5 करोड़ के बीच में है, उनके लिए टैक्स बढ़ाकर 39% कर दिया है। और उन टैक्स पेयर के लिए जिनका इनकम 5 to 10 करोड़ के बीच में है, उनके टैक्स बढ़ाकर 42.74% कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेजर के लिए डिडक्शन का बेनिफिट दिया है। अगर आप लोन अमाउंट से इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो इंटरेस्ट अमाउंट पे, जो कि पहले 1 लाख था, अभी बढ़कर 2.5 लाख हो गया है। गवर्नमेंट ने इस बजट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना और भी आसान कर दिया है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न के लिए फॉर्म फिलअप करने जाओगे तो कई सारे इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप नहीं करना होगा, जो कि ऑलरेडी प्रीफिल होके आएंगे। कई सारे डिटेल्स जैसे कि बैंक इंटरेस्ट, कैपिटल गेन फ्रॉम सिक्योरिटीज, डिविडेंड और टैक्स डिडक्शन, ये सारे इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कई सारे सोर्सेज से मिल सकते हैं, जैसे कि बैंक, म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंज, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जिस वजह से आपका काफ़ी टाइम भी बच जाता है और आप करेक्ट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे सकते हो गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कैशलेस इकोनॉमी के लिए और डिजिटल पेमेंट प्रमोट करने के लिए एक नया मूव लिया है इस बजट के थ्रू, जिसमें वो 2% TDS चार्ज करेगी उस इंडिविजुअल पे जो 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ करता है एक साल में। गवर्नमेंट का एम है कि 2022 तक हर आदमी के पास अपना खुद का घर हो, इसलिए उन्होंने एक स्टेप लिया है जिसमें वो डिडक्शन का बेनिफिट देते हैं। अगर कोई आदमी लोन अमाउंट पे घर खरीदता है जिसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 45 लाख रुपीज, तो वो इंटरेस्ट अमाउंट पे डिडक्शन क्लेम कर सकता है। पहले 2 लाख अमाउंट तक डिडक्शन क्लेम कर सकते थे, जो कि अभी बढ़ाकर 3.5 लाख कर दिया है। गवर्नमेंट ने इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट का नया ऑप्शन दिया है, जिसे कहते हैं ETF। ETF इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के अंडर आता है, जिसे ELSS भी कहते हैं, जिसमें सेक्शन 80C के अंडर इन्वेस्टर्स डिडक्शन क्लेम कर सकता है अप टू 1.5 लाख तक का। वैसे गवर्नमेंट ने इस बजट के थ्रू स्टार्टअप कंपनीज के लिए भी अच्छा रिलीफ लाया है। गवर्नमेंट ने स्टार्टअप कंपनीज के लिए टैक्स इंट्रोड्यूस किया था 2012 में, जिसमें अगर स्टार्टअप कंपनीज फेस वैल्यू के ऊपर कोई शेयर्स इशू करता है इन्वेस्टर को, तो उस एक्सेस प्रीमियम अमाउंट के ऊपर स्टार्टअप कंपनीज को टैक्स पे करना होता था, जिसे कहते हैं एंजल टैक्स। तो इसी एंजल टैक्स से रिलेटेड स्टार्टअप कंपनीज को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जस्टिफिकेशन देना होता था, वैल्यूएशन देना पड़ता था कि वो इतना प्रीमियम अमाउंट पे चार्ज कर रहे हैं। तो इसी एंजल टैक्स से रिलेटेड काफ़ी लिटिगेशन फाइल हुए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज आए, जिसे स्टार्टअप कंपनीज का मेन फोकस मेन बिजनेस से हट के इन चीज़ों में लग गया, जिससे कंपनी मेन बिजनेस एक्टिविटी पे फोकस नहीं कर पा रही थी, जिसमें कई सारी केसेस अभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग है। इसलिए गवर्नमेंट ने नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, जो कि है ई वेरिफिकेशन, जिसमें सारे मैटर्स इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई हो जाएंगे। अगर स्टार्टअप कंपनीज और इन्वेस्टर्स प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिटर्न में फाइल करते हैं और डिक्लेरेशन देते हैं, तो उनको कोई आगे स्क्रूटनी फेस नहीं करना होगा।
जिससे ये सारे केसेस इजीली रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर स्टार्टअप कंपनी शेयर इशू करता है फेयर मार्केट वैल्यू पे दो इन्वेस्टर को, जो कि है सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी वन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी टू ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, तो स्टार्टअप कंपनीज को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास वैल्यूएशन रिपोर्ट सबमिट करना होगा। स्टार्टअप कंपनीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट एक नया टीवी प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला है दूरदर्शन चैनल पर, जिसमें स्टार्टअप कंपनीज से रिलेटेड कुछ मैटर्स डिस्कस होंगे, जैसे कि चैलेंजेस फेस्ड बाय स्टार्टअप कंपनीज, फंड रेजिंग इशू, एक्सेस टू वेंचर कैपिटल फंड और टैक्स प्लान। जैसे कॉर्पोरेट्स के लिए भी अच्छा न्यूज है इस बजट में, जहाँ पे कंपनीज को कम टैक्स पे करना होगा। अगर कंपनी का एनुअल टर्नओवर 400 करोड़ या उससे कम है तो उनको सिर्फ 25% टैक्स पे करना होगा इनकम टैक्स पे। वैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जिसको शॉर्ट में NBFC भी कहते हैं, इस बजट में काफ़ी हाईलाइट में रहा है। गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है कि NBFC कितना इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए, इसलिए काफ़ी सारे रिफॉर्म्स NBFC के लिए भी आए हैं। जैसे कि अगर पब्लिक सेक्टर बैंक NBFC का लोन बाय करता है तो RBI पब्लिक सेक्टर बैंक को 1 time 6 month गारंटी देती है वो लोन अमाउंट के लिए। NBFC और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अभी डायरेक्ट RBI के अंडर रहेंगे, मतलब उसे RBI रेगुलेट करेगा। GST से रिलेटेड भी कुछ बेनिफिट है इस बजट में। अगर टैक्स पेयर का एनुअल टर्नओवर 5 crore या उसके नीचे है तो उसे क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होगा, जहाँ की पहले उसे मंथली रिटर्न फाइल करना होता था। और तो और गवर्नमेंट की तरफ से उसे फ्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी मिलेगा, जिसे वो अपना रिटर्न प्रिपेयर कर सकता है। गवर्नमेंट ने दो नया स्कीम इंट्रोड्यूस किया है। सबसे पहला प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन स्कीम, जिसके अकॉर्डिंग कोई रिटेल ट्रेडर या छोटा मोटा शॉपकीपर जिसका एनुअल टर्नओवर 1.50 crore या उसके नीचे है तो वो पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल होता है और वो पेंशन स्कीम के लिए एनरोल कर सकता है। और दूसरा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसमें फिशरीज डिपार्टमेंट एक मैनेजमेंट सेटअप करेंगे, जिसमें कई सारे मैटर्स कंसिडर करेंगे फिशरीज से रिलेटेड, जैसे प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्नाइजेशन, क्वालिटी कंट्रोल और कई सारी चीज़ें। वैसे गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल के ऊपर भी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया है, जिससे ट्रैवलिंग कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा और प्रोडक्ट के कॉस्ट बढ़ सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा बेनिफिट देखा जाए तो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट हो जाएंगे बहुत ही जल्दी। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा नाम है पवन प्रजापति और आप देख रहे हो द इस्टर्न व्यू पॉइंट।